हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है जहां पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, किस लेवल के ऊपर अच्छा तेजी आ सकता है और किस लेवल के नीचे जो है आपको एक अच्छा शार्टफॉल आ सकता है। तो इन डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास होल्डिंग में है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बेस्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस शेयर की, तो आज जो है स्टॉक में ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.25% की गिरावट के साथ स्टॉक जो है यहाँ पे 117.1 पे जो है आपको क्लोज हुआ है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस के अराउंड जो है आपको ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हम लोगों को लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में नहीं देखने को मिला है। लास्ट 1 मंथ में भी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 16% नीचे जो है स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 6 मंथ में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे 55% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कंटिन्यूसली स्टॉक में जो है यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो बात अगर करें हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट पे, तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है जो स्टॉक जो है आपको एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है मैं इससे पहले भी आप लोगों को बताया था जो यहाँ पे स्टॉक जो है हर एक सेल ऑन हर एक राइज पे जो है हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो स्टॉक जो है एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे एक अच्छा फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली इसी रेंज में यहाँ पे आपको कंसोलिडेट कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो हम लोगों को ऊपर की साइड है वो है आपको 125 का लेवल। ऊपर की साइड जब तक स्टॉक 125 के लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन करता है, एटलीस्ट एक डेली कैंडल जब तक क्लोज नहीं होता है, हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। नीचे की साइड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 106 का लेवल है। जब तक 106 का लेवल यहाँ पे आपको ब्रेक नहीं होता है, एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता है। तो इन बिटवीन जो है स्टॉक यहाँ पे बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 20 पॉइंट के रेंज में जो है कंटिन्यूसली स्टॉक यहाँ पे आपको कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छे फॉल के बाद स्टॉक ने यहाँ पे डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन किया, बट उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे की साइड 106 के लेवल के नीचे एक अच्छा ब्रेकडाउन देता है तो हम लोगों को शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 80 के अराउंड लेके जा सकता है। ऊपर की साइड अगर 125 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर वापस से हम लोगों को नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल जो है 150 के अराउंड स्टॉक यहाँ पे आपको रैली कर सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है 106 का लेवल जो है नीचे की साइड इम्पॉर्टेंट है, 125 का लेवल ऊपर की साइड इम्पॉर्टेंट है। 125 का लेवल ऊपर की साइड ब्रेक होगा तो एक अच्छा जो है 25 टू 30 पॉइंट का हम लोगों को मोमेंटम मिल सकता है। नीचे की साइड 106 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को 80 रुपीज़ तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इस स्टॉक को मंथली चार्ट पे देखेंगे, स्टॉक क्लियरली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे जो है आप कोई भी बाई पोजिशन बनाने से बिल्कुल बचे, क्योंकि स्टॉक में कहीं पर भी एक पॉजिटिव रिकवरी का साइन हम लोगों को नहीं दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे स्टॉक जो है क्लियरली यहाँ पे एक अच्छे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, कहीं पे भी आपको स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड नहीं हुआ है। अगर हम लोग बात करें 2020 में ब्रेक डाउन देने के बाद ऑलमोस्ट सभी स्टॉक ने यहाँ पे जितने भी अच्छे स्टॉक थे वो सभी स्टॉक रिकवर कर गए हैं, बट यहाँ पे इस स्टॉक में देखिए आपको कहीं पे भी एक पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है जो स्टॉक में कुछ भी आपको पॉजिटिव नहीं हो रहा है जो यहाँ पे बाई पोजिशन आप बना पाए, तो इसलिए बेटर है इस सब टाइप के स्टॉक से जो है अभी आपको बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको पोजिशन नहीं अभी क्रिएट करना चाहिए, अनलेस अनटिल आपको यहाँ पे चार्ट पे एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिखता है, आपको यहाँ पे अपना बाय पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है, 81 रुपीज का ये स्विंग लो है, अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो वापस से स्टॉक जो है यहाँ पे हम लोगों को
40-50 के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है अगले 5 से 6 महीने में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 106 का लेवल इम्पोर्टेंट है, अगर वो ब्रेक होगा तो फिर वापस से 81-80 रुपीज का लेवल, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो वापस से हम लोगों को 50 रुपीज का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो है इन सभी लेवल्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक जो है अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, और अगर आपको लास्ट सपोर्ट है 81 का, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद जो है स्टॉक आपको नीचे की साइड कंटिन्यूसली और मोमेंटम कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी लेवल्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।